और बहुत सारे ब्लॉगर्स आ गए हमारे घर पे, और अपना छोटा भाई भी आ गया दिव्यांश, के प्यार ने बुलाया राव, और रामायण चल रही है यार। और भाई ने अभी कहते हैं गोरखा गाड़ी लिया सामने पीछे वाली, धांसू लग रही है। मैं तो करूँ इतनी ऊंची गाड़ी तो बड़ा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो थार। तो भाई कैसी लग रही है गोरखा? और दिव्यांश तेरे को यार बहुत बधाई हो यार, ये ओके ओम बाबू अपना ख्याल रखो ठीक है। और कल भंडारे में भी परवा परोली भी आपको दिखाई देंगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और टाइम हो गया आपका 8:38। और बताए आज दिन की शुरुआत इतनी खास, इतनी लाजवाब है, सारे लोग ना घर से गायब है सुबह से। क्यों? क्योंकि भैया आज से है रामायण की शुरुआत, ये आज से ना घर में भव्य रामायण की शुरुआत है। और ना मैंने जितने भी लोग मेरे जानने वाले हैं, मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से ना, मैंने सबको इन्वाइट कर दिया है। और मैं फोन किसी को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक को फोन करूंगा तो मुझे बाकी लोगों को फोन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, लाइव कर दिया, स्टोरी लगा दिया, स्टेटस लगा दिया, और यूट्यूब पर भी कहते हैं वीडियो डाल दिया कि यार जितने लोग भी ये वीडियो देखें तो वो हर कोई भैया हमारे इस रामायण के भव्य प्रोग्राम में आ सकता है। क्योंकि भगवान राम के प्रोग्राम के लिए ना किसी को अलग से निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। नानी भी देखो सुबह सुबह उठ के रेडी हो। तो तुम गए नहीं मंदिर रामायण में? गए नहीं मंदिर जाके आ गए? ठीक है, नानी को भी हमने बोल दिया कि मंदिर जाना जरूरी है आज रामायण। पंडित जी आ गए वहाँ? अभी कौन कौन आया वहाँ? केले के पेड़ काट के लिए आए, सब कुछ लगा दिया, सब हो गया है। सारा काम भास्कर और हिमांशु संभाल रहे हैं। मैं फटाफट से अपना ब्लॉग एडिट करता हूँ, फिर मैं भी निकलता हूँ यहाँ। तो भाई एडिटिंग में ना मुझे लगा था कि 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन भाई एडिटिंग करते करते ना आधे घंटे से ऊपर हो गया। घर वालों ने ना मंदिर का सारा काम कर दिया है। और देखो मंदिर में जाने के लिए ढोलक वोलक की तैयारी भी हो गई है। तो वहाँ क्या करना है तुमने आज? भजन। भजन? पंडित आ गए? पंडित जी आ गए, तुम तो आ जाओ, क्या ड्रामे बाजी लगा रखे यार। चलो चलो अब एक काम करते हैं, ब्लॉग ना मंदिर में एडिट कर लेंगे। फटाफट से बिस्तर से उठते, नहाते और चलते हैं मंदिर की तरफ। एक काम करते हैं, पहले टेंट वाले के पास चलते हैं और टेंट का सारा सामान ना मंदिर में छुड़वा लेते हैं। दोनों गाड़ियां ना गायब है घर से, एक स्कूटी खड़ी है, आज हम स्कूटी से भी आएंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से टेंट वाले के पास और सामान वामान पैक करवाते हैं। तो भाई फाइनली मैं आपका टेंट हाउस पहुंच गया हूं। और यहां ना टेंट हाउस में, अपने पांडे टेंट हाउस में सारा सामान हमारा यहीं से जाने वाला है। चलो भाई अब अपने सामान वामान लोड होने की तैयारी हो गई है। तो भाई अपनी गाड़ी पूरी हो चुकी है पैक। और चलो भाई चलो, ओके हर हर महादेव। तो एक गाड़ी हमारी निकल चुकी है घर के। तो भैया ही चलो टेंट का सामान लेके हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। देखो सामने जा रहा है अपना पूरा सामान। मैंने सच में आज से एक साल पहले सोचा था वो आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। चाहे भाई काम ना कितना ही क्यों ना टफ हो, लेकिन जब काम भगवान का होता है ना तो आपका मन अपने आप लग जाता है काम में, सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा लग। तो भाई चलो मंदिर पहुँच गए, अब सारा सामान मंदिर में पहुँचा देते हैं। तो भैया जी सारा सामान मंदिर तक आ गया। तो भैया सारी तैयारियां हो गई, मंदिर ना एकदम बढ़िया तरीके से सज चुका है। और अंदर मम्मी कर रही है माता का श्रृंगार, और ये सारी चीजें जो आज पॉसिबल हुई ना सब माता की वजह से हुई है। इसलिए हमने सिल्वर बटन के आने की खुशी में माता के दरबार में करी है भव्य रामायण। तो भैया रामायण की शुरुआत होने के लिए पहले उससे पहले पूजा पाठ होता है ना जी। रामायण की शुरुआत भी हो जाएगी और मैं घर में बैठा जाऊंगा यहाँ पर मंदिर में। मैंने नहाया नहीं है पता है, मैं सुबह से सारे काम कर रहा हूँ और फटाफट से घर जाता हूँ, नहा धो के आता हूँ, फिर आपसे रामायण मिलता हूँ। जैसे ही मैं घर आया ना मुझे लगा कि मैं नहा लूंगा फटाफट से, लेकिन अभी क्या हुआ ना आलू वाले का फोन आ गया कि भाई आलू के कट्टे आपके मंडी से आ गए, अब जाके बेलपड़ा जाना है 8-10 किलोमीटर आगे, फिर वहां से 3 कट्टा आलू लेके आना है। तो हम एक स्कूटी से जा रहे हैं, एक मेरी पुरानी पल्सर बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि अपनी केटीएम की बाइक में ना कट्टे आ नहीं पाएंगे। तो अपनी पूरी फौज हमारे साथ रेडी है, हमारे पास कार नहीं है लेकिन बाइकें इतनी है कि हमारा सारा सामान हो जाता है। लो क्या भैया देखो आलू वालू लेने जा रहा था रास्ते में ना, आलू लेने जा रहा था, और आलू लेने से पहले क्या आ गया देखो मेरे पास, एक और सिल्वर बटन आपके रोहित पहाड़ी के ग्रुप में आ चुका है। मतलब हमने कहा था ना कि एक दिन हल्द्वानी के अंदर भैया 100 सिल्वर बटन का हमें एक मीटअप करेंगे जो हमारे साथ के लोगों का होगा। तो भाई एक सिल्वर बटन के नाम से आज रामायण है, और दूसरा सिल्वर बटन हमारे घर पे आज और आ चुका है ये। तो एक काम करते हैं भाई लोगों को बैठाते हैं रामायण के वहां लेके चलते हैं, फिलहाल मैं आलू लेके आता हूँ। और मैं आ गया हूँ भैया सब्जी मंडी में। ये हम आलू वालू लेके घर की तरफ जा रहे हैं। हमने देखो भैया हमारी गाड़ी एक जा रही है आगे। तो ये आलू के कट्टे ने तो ना दर्द कर दिया सर में यार। अभी बहुत सारे ब्लॉगर आ चुके हैं घर पे ना, तो भाई एक एक गिफ्ट लेने का सिलसिला चालू हो चुका है। तो अपने कैलाश भाई भी आ गए हैं। ओके कैलाश भाई पता नहीं क्या लेके आ रहे। तो अभी काम करते हैं, अभी मैं कुछ खोल ले रहा हूँ, सब कुछ मैं ऐसे रख रहा हूँ, बाद में खोलूंगा क्योंकि मैं नहाने जा रहा था भाई, सुबह से नहा ही नहीं पाया। जी फाइनली मैंने नहा लिया यार, देखो पूरा दिन निकल गया, 2 बज गया सच। कितनी ऊंची लग रही मेरे तो ये टेंशन बात है यार, है ना। अच्छा हाँ वो डेंट का हमारा ये देखो ना यार, डेंट आगे पड़ा। अरे
इस बार जब मैं गया तो मैं जहाँ जहाँ जाने वाला था वहाँ वहाँ उसने पहले डीएम हाउस में जो गेस्ट हाउस था बुक कर दिया था। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या है। इस बार मेरे को अच्छा लग रहा है जब से मतलब 1.5-1.5 लाख से ऊपर गए तो जहाँ मैं आधी क्लास गया तो वहाँ मेरा 15-20 से सारे होटल पहले बुक हो गए थे। वो मेरा मम्मी ये है तो भैया जी ऐसा है आपका रामायण में आपका दिव्यांश के पापा जी भी आ गए। मैंने ब्लॉग एक्चुअल में नहीं किया था तो अंकल जी ठीक है आपने इनको ना बहुत सारे किरदार में देखा होगा। मैंने तो मतलब वाला देखा है मेकअप वाला ब्यूटी पार्लर वाला और बहुत सारे किरदार अभी आने वाले हैं वो आपको दिव्यांश पांडे ब्लॉग को देखने को मिलेंगे। तो अंकल जी को विदा करते हैं क्योंकि इनको बहुत आगे निकलना है। आगे अपना भाई भी है छोटू अपना दिव्यांश तो उससे मिलते हैं। ओके अंकल जी बाय बाय टेक केयर। तो भाई जी चलो अभी देखो नहा धो के अब रेडी हुए आपके रोहित पहाड़ी और बहुत सारे ब्लॉगर्स आ गए हमारे घर पे। मैंने सब सबको मिला दिया और अपना छोटा भाई भी आ गया दिव्यांश प्यार ने बुलाया राम जी के नाम ने बुलाया हमको और रामायण चल रही है और बहुत जल्दी ना भाई बहुत सारा प्यार दो दिव्यांश को भी। इसको भी फटाफट गोल्डन बटन तक पहुंचाओ फिर एक रामायण इसके घर पे करेंगे बढ़िया वाला पक्का। और भाई ने अभी कहते हैं गोरखा गाड़ी ली है सामने पीछे वाली और अभी नंबर वंबर नहीं आया ना नंबर जब आएगा तो फिर हम मुलाकात भी करेंगे। भाई झांसू लग रही है मैं तो इतनी ऊंची गाड़ी तो मैं थार का प्लान खाली कर रहा हूँ भाई ये देखो क्या है मैं अभी जिमनी और थार में जा रहा था ये तो देख के बड़ा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो थार सब इसके यहाँ पे भाई। तो भाई कैसी लग रही है गोरखा और दिव्यांश तेरे को यार बहुत बधाई हो यार ये अचीवमेंट बहुत बढ़िया है। अब बहुत जल्दी हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं देखो क्या आएगा थार आएगी या गोरखा आएगी भगवान जाने। काम करते हैं दिव्यांश को विदा करते हैं कि दिव्यांश को बहुत आगे जाना है तो हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। ओके दिव्यांश मैं निकलता ना ओके फिर लेके मैं जा रहा हूं रामनगर और मैंने ले लिया बहुत दर्शन ले लिए मैंने दर्शन कर लिए मैंने राम जी का नाम ले लिया कोई दिक्कत नहीं प्रसाद हम पहुंचा देंगे घर तक कोई दिक्कत नहीं बस वो आप बता देना है ना। ओके चलो अभी निकलो ओके ओके अंकल जी बाय बाय नमस्कार प्रणाम ओके ओम बाबू अपना ख्याल रखो ठीक है। फाइनली हम लोग आपका मंदिर आ गए हैं और सारे यूट्यूबर ना मेरे घर पे आ गए। ये देखो भाई सारे जितने भी मतलब लौंडे आए हैं कहाँ कहाँ से हल्द्वानी से आपका लाल कुआ सारे लोग बिंदु खत्ता। तो चलो ये सामने अपनी मैया का मंदिर और यहाँ पर रामायण चल रही है और साथ में जाके सारे यूट्यूबर रामायण करते हैं। सनसेट भी होने वाला सामने देखो क्या खूबसूरत भाई वाओ। तो भैया जी हम लोग आपका मंदिर पहुंच गए पापा लगे पड़े हैं चाय पानी बनाने में सब लोगों के लिए। मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर। जय श्री राम पर राम चंद्र पद जय सरणम शंकर हरि ओम जय जय सियाराम। क्या है तुम्हारो नाम रे ओ दहिया मोरा ले। यह भैया हमारी मैया जी जिनके धाम में हो रहा है ये भव्य। तो माता जी को बहुत 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 प्रणाम क्योंकि आज सब कुछ जो भी हो रहा है ना माता जी की वजह से हो रहा है। तो भैया जी फाइनली मैं आपका मंदिर पहुंचा था ना सारा सामान वामान लेके उतने में ही भैया हमारे घर पे पहुंच गए। भैया हमारे उत्तराखंड के सबसे पुराने फेमस कॉमेडियन परवा परुली के भैया कैरेक्टर हमारे शेखर दा पहुंच गए और हमारा छोटा भाई पहुंच गया हिमांशु। तो मैं इनको पिक करने के लिए नीचे घर पे आया क्योंकि ये फोर व्हीलर्स आए हैं इनकी गाड़ी वाड़ी यहाँ पे खड़ी कर लेंगे फिर हम मंदिर जाएंगे और रात भर ना आज फुल नाइट पूरा भजन करना है बढ़िया तरीके से। दादू थैंक यू सो मच कि आप इतना दूर से आए मेरे लिए रानीखेत से पहले आप देहरादून गए देहरादून से आपने फिर भी समय निकाला यहाँ पहुँच गए। तो इसे कहते हैं भैया मतलब इम्पोर्टेंस भगवान राम की इम्पोर्टेंस। तो राजू आपका कब आ रहा नया वाला जो आपकी वेब सीरीज का तो अब हमारी पहाड़ी वीडियो आ रही है वो आएगी कल या परसों को हाँ और आपको सिल्वर बटन की बहुत बहुत बधाई थैंक यू सो मच एप्पल फोन की भी बधाई थैंक यू सो मच। तो आपको हमेशा मतलब हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम की बधाई। अभी क्या कहते हैं जो मैं BMW बुक करने वाला हूँ 2 हफ्ते बाद उसकी बधाई BMW आने के बाद। तो भैया जी रामायण का चल रहा है इतना बढ़िया वाला प्रोग्राम सच में ना दिल खुश हो गया इतने सारे लोग ना हमारे पापा तो मतलब ना लगे पड़े हैं बिल्कुल भजन कीर्तन में और हमारे सारे यूट्यूबर भी आ गए हैं। तो अभी फिलहाल डिनर चल रहा है भोजन सब लोगों का थैंक यू सो मच पूरी रात भर रामायण गानी है अभी
फिलहाल तो हमारे पापा ही जोर में चल रहे हैं अभी जी। देखो टाइम हो गया, रात के बज गए 12 और रामायण चल रही भैया निरंतर अपना। तो दाजू अभी तक ना पिछले 2 घंटे से मोर्चा संभाले बैठे थे रामायण का, और अब 12:30 बजे दाजू को निकलना है अपने घर के लिए, क्योंकि हमारी भाभी जी घर पर अकेली है। और कल भंडारे में भी परवा परोली भी आपको दिखाई देंगे, और हमारा हिमांशु भाई भी जा रहा है समय अल्बानी के साथ में। तो दाजू थैंक यू सो मच, आपने आके ना 4 चांद लगा दिए। वैसे तो रामायण में 4 चांद लगे होते हैं आपको पता है, बट आप आए, इतने सारे ब्लॉगर और आए यहाँ पर सारे, ना सच में दिल खुश हो गया। मैंने ना, मैं चाहता हूँ कि जो पहल आज मैंने करी ना, जिस दिन ये सारे लोग भी ना भाई इस तरीके से एक एक अपने अपने सिल्वर बटन पहुंचेंगे ना, तो सबके नाम की रामायण होगी ना भाई। हल्द्वानी का तो ट्रेंड बदल जाएगा पूरा, कि ये हो लोग कहेंगे ये हो क्या रहा है, सिल्वर बटन आ गया, रामायण अच्छा है। ब्लॉगर्स को पहाड़ भी आना है हमारे घर। अरे पक्का पक्का पक्का, बहुत जल्दी मैं आपको रानीखेत दिखाई दूंगा, जहाँ पे भैया अपने पुराने घर को मतलब हमारे जो शेखरदा है वो बना रहे हैं, और किस तरीके से मतलब वहाँ की जो खत्म हो चुका है ना सब कुछ, दोबारा से वहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं। वो सारी चीजें ना आपको शेखर जोशी ब्लॉग पे देखने को मिलेगी। बाकी मैं भी बहुत जल्दी जब आपका रानीखेत जाऊंगा ना सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल दाजू को विदा करते हैं, क्योंकि अभी 1-2 बजे तक घर ही पहुंचेंगे, और भाभी जी भी उठी होंगी इंतजार में। क्या करें, मजबूरी है भैया, प्यार इतना डरा, आपने देखा होगा चैनल हमारे परोली सोएगी कैसे ये। तो भैया जी ऐसा टाइम हो गया आपका 1:17, और बताए अब चाय का टाइम हो गया रात का, इधर चाय वाय बन रही है, लेकिन अभी कुछ भी लोग मेरे साथ जो है वो रात भर आपका रामायण कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ना सो चुके थे बिस्तरों के अंदर, क्योंकि ना एक टाइम के बाद ना भाई आपका सब लोगों को नींद आ जाती है, इसलिए मैं ना अभी भी उठा बैठा हूँ, क्योंकि मैया का आशीर्वाद है हम उठे रहेंगे रात भर। और बताए मेरे को ना उठना भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना कॉर्नर में दिया जल रहा है, और मुझे ना रात भर उठ उठ के ना हर आधे घंटे में दिए को देखना है कि कहीं गलती से दिया बुझ ना जाए। तो इसलिए मैं बार बार ना सारे लोगों के लिए चाय बना रहा हूँ, हर आधे घंटे में चाय बना रहा हूँ और सारे लोगों को चाय पिला रहा हूँ। तो फटाफट से इनके लिए चाय बनाते हैं। तो भैया जी टाइम हो गया है 1:30 बजे और हमारी चाय आ गई है बन के रेडी हो गए, और देखो सारे लोग देखो अभी यहाँ रामायण गा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई सुबह हो गई है, टाइम हो गया आपका 6:21, और बहुत सारे लोग ना सो चुके हैं, सारे लोग सो चुके हैं बाकी, और बहुत सारे लोग रामायण गा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका टाइम हो गया 8:00, और पता है रात भर ना रामायण पढ़ लेते हम लोग, अब तो सारे लोग उठ के आ गए हैं। कल रात तो ना भाई कोई बचा ही नहीं था, तो अब ये कहते हैं यहाँ पर जो हमारा हवन हवन होने वाला है ना वो इस जगह में होने वाला है, और अब हलवाई हलवाई भी सारे चचा लोग आ गए, अब ये आलू के गुटके और सूजी बनने की तैयारी भी चालू हो गई है। जी आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में, और बहुत सारे काम है। तो कल है भैया भंडारा मंदिर में हमारे, और सुबह 10 से 11 बजे आपका रामायण का भंडारा होगा, तो आप सभी लोग प्रसाद लेने जरूर आना, ऐसे भगवान राम के कार्य में ना आने से ना सारे कलेश तो ऐसे कम हो जाते हैं। तो जय श्री राम, कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।